आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी खूबसूरत कहानी जिसमें हम आपको मिलवाएंगे पेशावर के एक बेहतरीन आर्टिस्ट के साथ। ये आर्टिस्ट करते क्या क्या हैं इन्हीं से जानेंगे और आपको साथ साथ दिखाएंगे। इनसे इस सफ़र के बारे में जानते हैं, सीखा कहाँ से, क्या क्या बनाते हैं और इस वक्त यहाँ पर इनके पास क्या क्या मौजूद है इनके स्टूडियो में। तो अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा। मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ, मैं स्कल्पचर्स बनाता हूँ, उसके अलावा मैं म्यूज़िक भी पार्ट टाइम करता रहता हूँ और ये मेरी हॉबीज़ भी है, मेरा प्रोफेशन भी है। बेही जिंदगी यानी विलेज लाइफ को बहुत खूबसूरती से पोर्ट्रे करते हैं। इनसे जानते हैं, पूछते हैं कि इंस्पिरेशन इन्होंने कहाँ से ली। साथ ही एक और चीज़ जो कि मुझे इनकी बहुत सारी पेंटिंग्स में नज़र आई वो है ट्रेन। अब इनकी ट्रेन का भी छूटी है या किसी का इंतज़ार है इनको, जो इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में ट्रेन को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रखा है, इनसे ही पूछते हैं। जो अरबाब साहब हैं वो एक लैंडलॉर्ड हैं, तो इनसे पूछते हैं कि क्या इंस्पिरेशन यही थी दही जिंदगी बचपन से, क्योंकि मेरा घर भी बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास ही रहा और ट्रेन हमेशा लोगों को मिलाती रही है और जितने भी स्टेशन हैं, जितने भी लैंडस्केप्स हैं ट्रैक के साथ, रेलवे ट्रैक के साथ, वो सारे मुझे फैसिनेट करते हैं, उनकी मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ। तो इसलिए मुझे ज़्यादातर लोग यही पूछते हैं कि आप क्यों खेतों को बहुत ज़्यादा आपने देखा है, आपको फैसिनेट करते हैं खेत, खलियान बहुत हैं आपकी पेंटिंग्स में। लैंडस्केप का ऐसा माहौल आपको देता है जिसमें आपकी जो रूह है वो खुश हो जाती है और देखने वाले को भी मज़ा आता है। तो कैमरामैन आपको दिखाएंगे अरबाब हाशिम, सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं बनाते, जैसे कि उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि बहुत खूबसूरत मुजस्मा साजी भी ये करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दुनिया की जो नामवर शख्सियात हैं उनके मुजस्मे यहाँ पर बने हुए हैं, जिसमें कायदे आज़म का मुजस्मा हमें सामने नज़र आ रहा है, बॉलीवुड की शख्सियात यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं, यूरोप से इंस्पायर्ड जो शख्सियात हैं वो हमें यहाँ नज़र आ रही हैं, लता मंगेशकर, इरफान खान के मुजस्मे यहाँ मौजूद हैं। तो किस शख्सियत ने इनको मुतासिर किया जो कि इनको दिल चाहा हो कि एक से ज़ायद बार उसका मुजस्मा बनाया जाए, तो बताइएगा। मुझे सबसे ज़्यादा जो इंस्पायर किया वो तो इंडिया के जो रजनीश ओशो हैं उन्होंने किया, उसके अलावा ईदी साहब ने भी मुझे किया है, बहुत से मजीद आर्टिस्ट हैं हमारे पास, नेल्सन मंडेला बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। इसमें बहुत से विलेनिश कैरेक्टर्स भी हैं जिन्होंने दुनिया को नष्ट किया है, तबाह किया है। तो मेरी गैलरी में आपको हर किस्म का मुजस्मा, हर किस्म की शख्सियत मिलेगी, अच्छे से लेके बुरे तक, तखरीब भी कर चुके हों, तामीर भी कर चुके हों, कर चुके हैं। ये बताइएगा कि जब मुजस्मा बनाते हैं कोई भी जिस पे काम शुरू करते हैं, तो क्या पहले कोई रिसर्च की जाती है उसके लिए, बकायदा उसकी शख्सियत को आप स्टडी करते हैं उसके बाद शुरू करते हैं काम? और ये बिल्कुल एक्टिंग की तरह है, जैसे कोई फनकार किसी करेक्टर को पढ़ता है उसके बाद उसे अदा करता है, उसे परफॉर्म करता है, इसी तरह हम जब किसी शख्सियत को बनाते हैं तो उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर उसे इंस्पायर होकर उसका मुजस्मा तहलीक करते हैं। ये बिल्कुल एक्टिंग की तरह चीज़ है। पेंटिंग बड़े हसास होते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से, लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं आर्ट को, और खुसूसन अगर हम मुजस्मा साजी के हवाले से। आर्टिस्ट का ये फ़र्ज़ है कि वो जो सोसाइटी में जो कमज़ोरियाँ उनको हाईलाइट करे अपने आर्ट के थ्रू। सिर्फ ये नहीं किया जा सकता कि किसी ड्राइंग रूम में या किसी स्टूडियो में बैठ के पेंटिंग्स बनाई जाए। आप देखें हमारी जो हॉस्पिटल्स हैं, आप देखें आपके जो मदारस हैं, आपके जो स्कूल हैं, आपकी जो सड़कें हैं, आपका जो जस्टिस सिस्टम है वो सारा का सारा बहुत कमज़ोर है। और बतौर आर्टिस्ट मेरी ये कोशिश रहती है कि लौट जाती है नज़र उधर को भी, क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुसन मगर क्या कीजिए, तो लौट जाती है नज़र उधर को भी, तो दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, तो दिल चाहता है कि उन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए। से नहीं, आई एम सेल्फ टाट आर्टिस्ट, मैंने ट्रायल और एरर से सीखा है, इंटरनेट से सीखा है, एक दूसरे से सीखा है, मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया और अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ और हमेशा एक स्टूडेंट रहूँगा आर्ट का। और मेरी ये कोशिश रही है कि अगर कोई थोड़ी सी भी ख्वाहिश जाहिर करे तो मैं उसे सिखाऊँ। दुनिया के किस मुल्क में दिल चाहता है कि एग्जीबिशन हो, आपके सारे काम को शोकेस किया जाए? मेरी ख्वाहिश है कि दुनिया के तमाम ममालिक में, ख़ास तौर पर फ्रांस में, अमेरिका में, जर्मनी में मेरी नुमाइश हो, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी। अरबाब हाशिम की बातें आपने सुनी, फितरत को अपना उस्ताद ये मानते हैं और सिखाने पर यकीन रखते हैं। उम्मीद है आपको इस आर्टिस्ट की बातें और इनका फ़न दोनों ही पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दुनिया में वो तमाम लोग जो कि आर्ट से मोहब्बत रखते हैं वो इस आर्टिस्ट के भी काम को देखें और उसको सराहें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।